छत्तीसगढ़ में मानदेय की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन विहार जनपद पंचायत मोहला के सभी पीआरपी, एफएलसीआरपी, आरबी के पशु सखी कृषि मित्र, सक्रिय महिला बैंक मित्र अंचल में जनपद स्तर से ग्राम पंचायत स्तर तक ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारी अपने मानदेय से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि जिस तरह से हम अपने मूल कार्य के साथ अन्य दिए गए कार्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं, हमें उस हिसाब से मानदेय नहीं दिया जा रहा है। सभी कैडरों के मानदेय बढ़ाए जाएं। अब मेरे पूरे क्रेडर साथी दीदी लोग भी हैं, हम मोहला ब्लॉक से हैं और हमारा जो 2015 से हम लोग कार्य कर रहे हैं, तो हमारा कम से कम तो मानदेय हमको कम से कम आगे होना चाहिए 1500 रुपए दे रहे हैं, जबकि हमको 2022 से और ना 2023 तक आज तक से एक वर्ष होने वाला, लेकिन हमारा मानदेय आया नहीं है, तो हम कैसे करेंगे, कहाँ से पेंशन करके हम लोग कार्य करेंगे, जबकि जो काम बताते हैं हम वो वही काम हम करने जाते हैं, तो हम कहाँ से कर पाएंगे। धन यादव है, मैं मोहला क्लस्टर से हूँ और मैं पिछले 5 वर्ष से बैंक मित्र का काम कर रही हूँ, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में, जिसमें हमारा मानदेय किसी किसी क्रेडर का 2500 है, किसी का 1500 है, किसी का 2200 है, जिसमें हमारे आजीविका के लिए जीवन गुजारना मुश्किल है। हम लोगों को अभी लगभग 7 साल होने को जा रहे हैं जो हमारा मानदेय नहीं मिला। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए साधना न्यूज़। नमस्कार।